हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक आईपीओ को डिस्कस करेंगे जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रेलटेल कॉरपोरेशन अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। द इश्यू स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, दैट इज 16th February 2021 एंड इट क्लोजेस ऑन 18th February। रेलटेल ऑफर्स सर्विसेस इन टेलीकॉम, सिस्टम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट होस्टिंग्स, मैनेज डेटा सेंटर्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा। अब तक टोटल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क्स कंपनी के करीबन 59,000 किलोमीटर्स तक के हैं, जिसमें से 18,000 किलोमीटर्स सिटीज में हैं। इस कंपनी को गवर्नमेंट की काफी अच्छी बैकिंग है और जैसे ही गवर्नमेंट अपने रेल नेटवर्क्स को एक्सटेंड करेगा, वैसे ही रेलटेल अपने ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क्स को वहां ले कर सकता है, जिससे आगे जाके रेवेन्यू विजिबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा आएगा। अगर अभी तक के टोटल ऑर्डर बुक देखें कंपनी के, तो करीबन 4000 करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी को। रेलटेल एक डेट फ्री कंपनी है और अगर आप देखें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो भी काफी सॉलिड है और कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, जिससे आगे जाके जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशंस को ट्रैक करें तो कंपनी ने पिछले 3 साल में जो रेवेन्यू केगर दी है वो 7.5% की केगर ग्रोथ दी है रेवेन्यूज पर। हमारा यह अनुमान है कि FY23 तक कंपनी करीबन 6% केगर रेवेन्यू ग्रोथ दे सकता है और जैसे ही गवर्नमेंट की जो नई इनिशिएटिव्स है रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड सर्विस देने की, उससे भी इस कंपनी को काफी अच्छी बेनिफिट हो सकती है और रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो हमारा यह अनुमान है कि आने वाले 3 साल में जो करंट मार्जिन है वो सस्टेन कर जाएंगे और कंपनी को FY23 की अर्निंग्स पर 17 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स आज हम दे सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। हमें लग रहा है कि जो ये रेलटेल कॉरपोरेशन है वो इन्वेस्टेबल जोन में ही है और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से निवेशकों को काफी फायदा हो सकता है। अब मैं जो ये इशू आ रहा है पब्लिक इशू, उसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। जो ये पब्लिक इशू आ रहा है वो करीबन 820 करोड़ का इशू है। इस इशू में 8.72 करोड़ शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है विथ अ टोटल प्राइस बैंड ऑफ 93 to 94 रुपीस। तो इसका मतलब यह होगा कि जो ये 93 टू 94 का प्राइस बैंड है तो रिटेल निवेशक 94 के रेट पर ही कट ऑफ रेट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल लॉट साइज जो है वो 155 शेयर्स का है। इसका मतलब यह होगा कि अगर किसी को एक लॉट इस कंपनी में अप्लाई करना है तो करीबन 14,600 रुपीस निवेश करने पड़ेंगे और 155 शेयर्स के लॉट में ही मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं और आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो 2 लाख रुपए से कम रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रेलटेल कॉरपोरेशन में हमारा यह अनुमान है कि जो लिस्टिंग में भी गेन हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में भी इस कंपनी में अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो हमारा ये ही अनुमान रहेगा कि रेलटेल कॉरपोरेशन को आप 94 रुपीस पर सब्सक्राइब करिए। लॉट साइज रहेगा 155 शेयर्स का और आने वाले दिनों में आपको इस कंपनी से अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।